नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। मैं बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनोकामना पूर्ति के 8 विशेष उपाय। इस वर्ष 25 अगस्त 2016 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। उपाय की दृष्टि से यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा होली, दिवाली तथा शिवरात्रि के समान महत्वपूर्ण मानी गई है। मनोकामना पूर्ति के प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हो तथा कोई रास्ता सूझता न हो, तो वे श्री कृष्ण शरणम मम का जप करें तथा आर्त हृदय से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, अवश्य सुनवाई होगी। घर में तनाव, अशांति, अस्वास्थ्य की समस्या हो तो क्लीम ऋषि केशाय नमः की 51 माला करें। आर्थिक समस्या आदि के लिए श्री गोपीजन बलभाय स्वाहा जपें। विवाह समस्या या गृहस्थी की समस्या हो तो ओम नमो भगवते रुक्मणी बलभाय स्वाहा जपें। इष्ट सिद्धि के लिए श्री कृष्णा नमः का जप करें। स्वाहा वृद्धि, सुख शांति तथा मोक्ष के लिए ओम एम श्रीम क्लीम प्राण भलवाय सौ सौभाग्यदाय श्री कृष्णाय स्वाहा का जप करें। संतान सुख प्राप्त करने हेतु निम्न मंत्र का जप तथा लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें। मंत्र ओम देव की सूत गोविंद वासुदेव जगतपते दही में तनियम कृष्ण तमाम आम शरणम गता। संतान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा मंत्र नहीं है यही है। तनियम शब्द के उच्चारण में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें। उपरोक्त मंत्र का मानसिक जप हमेशा तथा हर जगह किया जा सकता है। जप माला तुलसी की तथा आसन कुश का प्रयोग करें। चंदन आदि प्रयोग करें। प्रसाद में पंचामृत में तुलसी मिश्रित करें। स्वयं तुलसी की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण करें। पीताम्बर भी चल सकता है। पंजीरी का प्रसाद वितरण करें। सात्विक भोजन करें। ब्राह्मण भोजन साधना के फल को द्विगुणित करता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।